बंगाल में महाराष्ट्र जैसा खेल होने वाला है क्या महाराष्ट्र के बाद अब पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेता और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज हस्तियों में शुमार मिथुन चक्रवर्ती ने अपने एक बयान से पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को गरमा दिया है उन्होंने कोलकाता में बड़ा बयान दिया बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई महाराष्ट्र में वैसे तो कमल ही खिलने वाला था लेकिन सियासी तिकड़मों के कारण भाजपा सत्ता सुख से वंचित रह गई थी लेकिन पिछले महीने तिकड़म भिड़ाकर भाजपा वहां फिर से सत्ता में आ गई लेकिन लगता है भाजपा इतने से ही रुकने वाली नहीं है मध्य प्रदेश तो एक छोटा सा उदाहरण था उसके बाद महाराष्ट्र है दूसरे राज्यों में कहाँ कहाँ भाजपा सत्ता में आ सकती है उस पर भी उसकी नजर है भाजपा की नजर शायद पश्चिम बंगाल पर लग गई है एक कसक रही है बंगाल क्योंकि बंगाल में जीत की पूरी पूरी उम्मीद थी बहुत कोशिशें की गई थी लेकिन दीदी को हरा नहीं पाए लेकिन अब एक जो दावा हुआ है ये महत्वपूर्ण दावा है क्या उस कसक को पूरा कर लिया जाएगा यह दावा अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती कर रहे हैं झारखंड को लेकर तो सियासी हलकों में हलचल है ही लेकिन मिथुन ने एक बयान देकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी खलबली मचा दी है बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर अपना काम शुरू कर दिया मिथुन ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाई आइए अब हम आपको बताते हैं उन्होंने ऐसा कौन सा बयान दिया जो अब मीडिया की सुर्खियों में आ गया है और ये बयान तो आपने सुना होगा लेकिन इसके मायने क्या हैं क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या ऐसा मुमकिन है वो जो दावा कर रहे हैं उससे क्या कुछ बदल सकता है पश्चिम बंगाल में ये भी हम इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे दरअसल मिथुन ने एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचने के बाद में एक बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया से खुद सवाल पूछा कि क्या आपको ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए इसके बाद उन्होंने खुद जवाब दिया बोले आज के वक्त ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के करीब अड़तीस विधायक हमारे साथ हैं या उनके हमारे साथ अच्छे रिश्ते हैं इनमें से करीब इक्कीस तो सीधे मेरे संपर्क में हैं ये तो अभी म्यूज़िक लॉन्च है फिल्म की धमाकेदार रिलीज़ तो अभी बाकी है उन्होंने भाजपा विधायकों के साथ हुई बैठक के बाद यह बयान दिया खास बात यह है कि मिथुन ने सियासत में सक्रिय होने के बाद पहली बार भाजपा विधायकों के साथ बैठक की उन्होंने आगे कहा अभी 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जल्द चार और राज्यों में भाजपा सत्ता में आ जाएगी मिथुन चक्रवर्ती ने महाराष्ट्र का हवाला दिया उन्होंने कहा एक दिन मैं सोकर उठा और अचानक देखा तो भाजपा यहाँ सरकार बना चुकी थी ऐसा बंगाल में नहीं हो सकता क्या मैं नहीं मानता इतना ही नहीं मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी पर चुनाव में धांधली और गुंडागर्दी करने का आरोप भी लगाया उन्होंने सवाल किया कि अगर पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी और ममता बनर्जी को इतना ही चाहती है तो मतदाताओं को धमकियां क्यों दी जाती है ये दिखाता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को बीजेपी से डर लगता है भाजपा नेता ने दावा करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो टीएमसी की सरकार चली जाएगी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी उन्होंने ये भी कहा हिंदी में कहावत है ज़बरदस्ती छीनी हुई चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल है आपको मालूम है कि आपने ज़बरदस्ती इलेक्शन जीता है कल अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी चक्रवर्ती के इस बयान के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हड़कम मचा दिया है खासतौर पर टीएमसी में खलबली मची हुई है लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान के बाद ये सवाल उठता है कि क्या सच में भाजपा पश्चिम बंगाल में भी सरकार बना सकती है जैसे महाराष्ट्र में बनाई है मिथुन चक्रवर्ती के बयानों का क्या मतलब है पश्चिम बंगाल के आंकड़े क्या इशारा करते हैं अब ये आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है जमीनी दरअसल मिथुन के इस बयान से पहले ममता इसी विषय पर बुधवार को बोल चुकी थी उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल का हवाला देते हुए कहा कि बंगाल को महाराष्ट्र की भूल न की जाए ममता ने कहा था भाजपा के पास कोई काम नहीं है वो केवल तीन चार एजेंसियों के जरिए राज्य सरकारों को अपने हाथ में ले लेते हैं उन्होंने महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया है लेकिन बंगाल ने उन्हें हरा दिया बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि आपको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा ममता ने दावा करते हुए कहा था मुझे विश्वास है कि भाजपा 2024 में नहीं आएगी भारत में बेरोजगारी 40 प्रतिशत बढ़ रही है लेकिन बंगाल में 45 फीसदी कम हो गई है आज मीडिया ट्रायल चल रहा है और वो लोगों को आरोपी कह रहे हैं वो सिर्फ बंगाल की छवि खराब करना चाहते हैं ये पहली बार भी नहीं था जब ममता बनर्जी ने सरकार गिराने को लेकर खुले मन से कुछ कहा हो पिछले चार दिन के अंदर दूसरी बार उन्होंने कहा कि भाजपा ईडी और अन्य एजेंसियों की मदद से राज्यों में विपक्ष की सरकार गिराने का काम कर रही है वो बंगाल में ऐसा नहीं कर पाएंगे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता बनर्जी के दोनों बयानों को समझा जाए तो यह साफ पता चलता है कि उन्हें इस बात की आशंका है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सक्रिय हो गई है और ईडी की बात वो खुद कह रहे हैं आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था ईडी के कई मामले सामने आए थे इन दोनों चीज़ों को जोड़कर देखा जाए ना देखा जाए ये तो खैर एक अलग बात हो जाती है लेकिन ममता बनर्जी का बयान तो यही है कम से कम कि एजेंसियों के सहारे बीजेपी इन राज्यों को कब्जा रही है वो खुद को सामान्य पेश करके पब्लिक और अपने विधायकों को ये संदेश देना चाहती हैं कि अभी सब कुछ ठीक है राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं विश्लेषकों का ये भी कहना है कि मिथुन के बयान से दो मतलब निकाले जा सकते पहला ये कि वाकई में भाजपा के संपर्क में टीएमसी के कुछ विधायक हो सकते हैं और दूसरा ये कि एक तरह की सियासी चाल हो इसके जरिए भाजपा टीएमसी विधायकों के बीच एक संदेश देना चाहती है इससे उनमें से कुछ खुद से ही भाजपा के संपर्क में आ सकते हैं और उनसे ये कह सकते हैं कि अगर एक साथ कई विधायक टीएमसी से टूटे तो वो भी उनका साथ देंगे गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 2021 में ही विधानसभा चुनाव हुए थे दो सीटों वाली इस राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दो सीटों पर जीत हासिल की बहुत बड़ी जीत थी ममता बनर्जी की सतहत्तर सीटों के साथ भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी बहुत कम थी जो अपेक्षाएं थी उससे बहुत कम चुनाव के बाद भाजपा के छह विधायक टूटकर टीएमसी में शामिल हो गए इसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव हुए मौजूदा समय में दो सीटों वाले विधानसभा में 220 टीएमसी के सदस्य हैं जबकि इकहत्तर भाजपा के विधायक हैं बाकी एक सीट बीजीपीएम, एक आईएसएफ की है और एक सीट खाली है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 विधायकों का साथ चाहिए होता है अभी ममता के पास 220 विधायक हैं मतलब ज़रूरत से बहत्तर विधायक ज़्यादा है भाजपा के पास अभी इकहत्तर विधायक हैं मतलब जरूरत से सतर विधायक कम है अगर मिथुन चक्रवर्ती के दावे के अनुसार मान भी लेते हैं कि टीएमसी के अड़तीस विधायक टूटकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो भी भाजपा को बहुमत के लिए आंकड़ा जो आंकड़ा चाहिए उसको चूने के लिए उनतालीस विधायकों की और ज़रूरत पड़ेगी हालांकि वो भी तब जब मिथुन चक्रवर्ती का दावा सही हो हालांकि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बगावत करने वालों पर दल बदल कानून की तलवार भी लटक सकती है वहीं मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर अब टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती मानसिक रूप से बीमार हैं मुझे पता चला था कि उन्हें कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था मुझे लगता है कि वे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से बीमार हैं समस्या ये है कि उन्हें राजनीति की समझ नहीं है ये बात सही है कि मिथुन चक्रवर्ती राजनीति में एक्टिव नहीं रहे या इससे पहले कभी अपने किसी राजनीतिक बयान को लेकर इतने चर्चा में नहीं आए हैं उन्होंने एक ऐसे समय पर यह बयान दिया है जब महाराष्ट्र की सियासत में एक जबरदस्त उथल पुथल ही नहीं देखने को मिली बल्कि बीजेपी को एक कामयाबी भी मिली बीजेपी ने फूक फूक कर रणनीति के तहत आगे बढ़कर यह काम किया था लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वहां सत्ता बनाने की चाबी कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में थी क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल थी पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई बात नहीं है पश्चिम बंगाल में सीधा सीधा मुकाबला दो पार्टियों के बीच में हुआ था बीजेपी ने पहले के मुकाबले अपनी ताकत को बढ़ाया लेकिन जो अपेक्षा थी जैसे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी वो प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से नहीं हो पाया तो ऐसे में बंगाल में बड़ी तादाद में विधायक टूट जाएंगे या कुछ और होगा ये सब बहुत दूर की कौड़ी दिखाई पड़ता है हाँ इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि अब इक्कीस के चुनाव तो हो चुके हैं 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है अपनी जमीन को खंगाल रही है अपने चेहरों को तैयार कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक भर्ती घोटाला जो सामने आया उसके बाद में ममता बनर्जी कई सवालों के घेरे में है इसका फायदा भी बीजेपी मौजूदा समय में उठाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें